जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित रस्यापाटा क्षेत्र के 3 स्कूली बच्चे वाहन दुर्घटना में घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार रस्यापाटा विद्यालय सड़क से 100 मीटर नीचे है। छुट्टी पर बच्चे जैसे ही सड़क पर पहुंचे, उन्हें एक पिकअप खड़ी हुई दिखी। बच्चे पिकअप में बैठ गए। अचानक पिकअप असंतुलित होकर खाई में जा गिरी। पिकअप ज्यादा गहरी खाई में नहीं गिरी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दुर्घटना में मनमोहन, अंजलि और भूमि घायल हो गए। घायलों को परिजन अस्पताल ला रहे थे। सुवालेक से 108 के माध्यम से घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के बाद बच्चों को अस्पताल से घर भेज दिया। नवरात्रि की अष्टमी जिले भर में धूमधाम से मनाई गई। प्रसिद्ध हाटकाली का मंदिर में मेले का आयोजन हुआ। सुबह से ही यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। देर शाम तक मंदिर में भजन कीर्तन चलते रहे। जिला मुख्यालय के उल्का देवी मंदिर, वरदानी मंदिर, गुरना माता मंदिर, कामाख्या मंदिर में भी अष्टमी पर्व पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। जिले भर के देवी मंदिरों में देर रात भजन संध्या आयोजित की गई। नवरात्र के पावन पर्व पर 6 स्टिंगर्स पिथौरागढ़ में सॉफ्ट रॉक के तहत माँ दुर्गा जहाँ तेरा आंचल है वहीं मुझको आना है गाना रिलीज किया गया। गाने में संगीत व बोल राजेश जोशी ने दिए। विधायक बिशन सिंह चुफाल, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी, डॉक्टर उमा पाठक ने संयुक्त रूप से बटन दबाकर गाना रिलीज किया। बोलो उल्का मैया की, दुर्गा मैया की। जहां दवा वहां फार्मासिस्ट के नारे के साथ जिले के बेरोजगार फार्मासिस्टों ने रविवार को संगठन का गठन किया। नगर के महात्मा गांधी रोड में स्थित होटल पुनेठा इन में आयोजित बैठक में संगठन के पदाधिकारियों का ऐलान किया गया। संगठन में हरीश वर्ती, मोहम्मद आरिफ को संरक्षक, भरत कुमार को अध्यक्ष, गिरीश उपाध्याय को उपाध्यक्ष, दीपक पांडे को महामंत्री, दीक्षा कोहली को उप सचिव, शंकर मेहरा को संगठन मंत्री, गोपाल सिंह बिष्ट को मीडिया प्रभारी, मनोज पंत को कोषाध्यक्ष, निशा चंद को महिला जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा संजय बोरा, अनुपम बेरी, हरीश मेहरा, अंशु लोहनी, ललित मोहन, पवन कुमार को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। 4 से 6 नवंबर तक पिथौरागढ़ नगर के मंगल मूर्ति बैंकेट हॉल में प्रस्तावित 15वें राष्ट्र कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का खाका आज तैयार किया गया। मानस अकेडमी की सिटी ब्रांच में आयोजित कुमाऊनी साहित्यकारों, भाषा प्रेमियों और सोरघाटी के संभ्रांत जनों की बैठक में कार्यक्रम तय किए गए। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर अशोक पंत ने और संचालन डॉक्टर किशोर पंत ने किया। बैठक में शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के पूर्व कुलपति डॉक्टर नरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी और बच्चों को कुमाऊनी बोलने को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन बेहद महत्वपूर्ण है। दुर्गा अष्टमी पर प्रदेश की बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने 167 कार्यकर्तियों को सुपरवाइजर पद पर नियुक्ति का पत्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी बहनें सरकार और आम जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा गौरा योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट पोर्टल योजना का शुभारम्भ भी किया। नगर की इवोल्यूशन फैमिली ने रविवार को नवरात्रि संध्या का भव्य आयोजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। उन्होंने नन्हे बच्चों को पुरस्कृत किया। महिलाओं ने भजन, नृत्य आदि प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन बहन काजल ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। शादी हो या कोई समारोह, बर्थडे हो या उपनयन संस्कार, पार्टी या रिसेप्शन, हम करते हैं हर संभव सुविधा उपलब्ध। पार्किंग से लेके लग्जरी रूम्स तक हमारा खास मेन्यू आपके पसंदीदा स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ आपके विशेष दिन को बनाए और भी यादगार। मंगल मूर्ति बैंक्वेट हॉल नियर हनुमान मंदिर पिथौरागढ़ अपने सभी विशेष आयोजनों को हम बनाते हैं अत्यधिक शानदार व ऐतिहासिक। बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें। महाविद्यालय नारायण नगर में आयोजित अल्मोड़ा विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताब पिथौरागढ़ कैंपस की छात्राओं ने जीता। अल्मोड़ा कैंपस की टीम उप विजेता रही। फाइनल मुकाबले के मुख्य अतिथि पिथौरागढ़ कैंपस के निदेशक डॉक्टर हेमचंद्र पांडे ने विजेता और उप विजेता टीमों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर प्राचार्य गिरीश चंद्र पंत मौजूद रहे। संचालन अलंकृता सिंह, डॉक्टर सुधीर कुमार तिवारी ने किया। डॉक्टर नरेंद्र सिंह धारियाल ने सभी का आभार जताया। चौकी प्रभारी घाट सुरेश काम्बोज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शनिवार की रात चेकिंग के दौरान घाट बैंड पर
ढाबे के पास एक ऑल्टो कार संख्या UK058978 में 8 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब तथा 2 पेटी बियर बरामद की। आरोपी पुलिस को आते देख अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। बरामद माल के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में अज्ञात के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। शराब परिवहन में प्रयुक्त कार को भी सीज किया गया। नशा मुक्त देवभूमि उत्तराखंड के मिशन को साकार करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेश पर नशीले पदार्थों की तस्करी बिक्री करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रभारी कोतवाली पिथौरागढ़ मदन सिंह बिष्ट, प्रभारी SOG हेमचंद्र तिवारी, ANTF के नेतृत्व में टीम ने एचोली चौकी के पास चेकिंग की। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार अमित को 10.35 ग्राम और यशचंद को 5.37 ग्राम कुल 15.72 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। दोनों धनौड़ा निवासी हैं। उनके खिलाफ कोतवाली में धारा 8/21/60 NDPS एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। मोटरसाइकिल को भी सीज किया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।